किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धान में लगने वाले एक प्रमुख बीमारी सीट ब्लाइट यानी पर्ण झुलसा के बारे में बताऊंगा। पर्ण झुलसा बीमारी या सीट ब्लाइट अधिकतर धान जब गभोट अवस्था में आता है उस समय दिखाई देता है और इसके प्रमुख कारण है लगातार जैसे बारिश हो रहा है या तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है या वातावरण में लगातार नमी बनी हुई है, तो चाहे वो ब्लास्ट हो या ब्लाइट हो या आपका सीट ब्लाइट हो, इसका प्रकोप अक्सर देखा जाता है और साथ ही यूरिया का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने पर भी ये सब बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है। इसके मुख्य लक्षण के बारे में बात करें तो यह रोग कन से निकलने की अवस्था से लेकर गभोट अवस्था तक देखा जा सकता है और अधिकतर हम देखते हैं जब खेत में पानी भरा होता है तो सतह से प्रारंभ होकर यह रोग ऊपर की ओर फैलने लगता है, तने से पौधे के ऊपर की ओर पत्तियों तक फैलने लगता है और इससे पौधे जो है कमज़ोर होकर झुलस जाते हैं। इस रोग की अगर पहचान के बारे में बात करें तो पौधों के तने पर अनियमित आकार के भूरे किनारों वाले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। प्रारंभ में ये धब्बा जो है हरा मटमैले कलर का होता है, लेकिन जब इस रोग का वृद्धि होता है या उग्र अवस्था में होता है तब यह पूरे स्टेम में यानी तने में चारों ओर फैल जाते हैं और इसका रंग जो है गहरा भूरा रंग का दिखाई देने लगता है, जिससे तना पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। और इसमें अगर इस रोग का प्रकोप अधिक हो गया है तो जो पौधे में बालियां ठीक से नहीं निकलती और अगर बालियां निकल भी रही है तो उसमें दाना नहीं भराता और बदरा अधिक हो जाता है, जिससे पैदावार में बहुत कमी देखी जाती है। लगभग 15-20% तक उपज में कमी देखने को मिलती है। यह रोग जो है कवक यानी फंगस के द्वारा फैलता है। इस बीमारी के उपचार के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम हमें थोड़ी सहनशील वैरायटी लगानी चाहिए, जैसे साकेत 04, राम तुलसी या पंकज और 1001। इसके अलावा यदि पूर्व में ली गई फसल में अगर इस बीमारी का प्रकोप हुआ है तो बहुत संभावना रहती है कि वर्तमान में भी इस बीमारी का प्रकोप हो, इसलिए पूर्व फसल के अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए। और अब रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो अंत में मैं आपको ऐसी दवाई का नाम बताऊंगा जो धान में लगने वाले बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB और ब्लास्ट और साथ ही साथ सीट ब्लाइट तीनों को नियंत्रित करेगा। तो सबसे पहले सीट ब्लाइट के बारे में बात करते हैं। तो पहला है थायोफ्लुजामाइड 24% SC। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंजीसाइड है। इसका यूज 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए और मार्केट में यह पल्सर, पीटर, वैगन, टैग पल्स, नोजावा इत्यादि नामों से मिल जाएगा। दूसरा है हेक्साक्लोनोजोल 75% WG। इसका यूज 25-30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए, जिसमें लगभग 150 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करना चाहिए। मार्केट में यह ब्रिक्स, इपीक, लगदी या हेक्सागोल्ड, इमोरे या कॉन्टेक्ट सुपर, डायमंड या सम्राट इत्यादि नामों से उपलब्ध है। इसके अलावा किसान भाई वेलिडामाइसिन या कार्वेंडाजीम या प्रोपिकोनाजोल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि बुआई के पहले किसानों को बीजोपचार अवश्य कर लेना चाहिए। अगर उसका धान का बीजोपचार नहीं हुआ है तो बीजोपचार यानी सीड ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, जो कि 2-3 ग्राम कार्वेंडाजीम या थायरम या कैप्टान का प्रति किलो के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए और बीजोपचार करते समय हल्का पानी का छींटा मारना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पाउडर का जो परत है वो पूरे बीज में एक परत के रूप में पूरा चढ़ जाए। इसके अलावा यदि धान के खेत में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट और साथ ही साथ सीट ब्लाइट तीनों का प्रकोप अगर खेत में दिखाई दे रहा है तो इसके लिए प्रोपिकोनाजोल 10.7% प्लस ट्राईसाइक्लाजोल 34.3% SC के कॉम्बिनेशन को 250 ml और साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 ग्राम को सिलजी के 200 ml जो दवाई आता है उसके साथ मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से देना है और इसके कुछ दिन के बाद में 12 किलोग्राम पोटास को अतिरिक्त मात्रा में प्रति एकड़ के हिसाब से देने पर जो ब्लाइट, ब्लास्ट और सीट ब्लाइट तीनों का नियंत्रण किया जा सकता है। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, ज़रूर बताइए।